ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी की नेहरू कॉलोनी देहरादून में पार्टी के विधिवत कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही राजधानी देहरादून से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा लगभग 100 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति को उत्तर प्रदेश से वापस लेना है। भट्ट ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां सत्तासीन हुई हैं, लेकिन आज 20 वर्ष बाद भी किसी ने अपनी संपत्ति को वापस लेने की पहल नहीं करी है। प्रदेश के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट हैं, जो 3 माह पूर्व अपने गुजरात में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को वापस लाने में अहम पहल कर चुके हैं और देवेश्वर की उस पहल से मौजूदा सरकार की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई थी, जिसके बाद सूबे की मुखिया त्रिवेंद्र सरकार को भी प्रवासियों को गुजरात से वापसी प्रकरण में कूदना पड़ा था। अब एक बार फिर अपने प्रदेशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति लिए देवेश्वर भट्ट चुनावी रणक्षेत्र में कूद पड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि प्रदेश में बदलाव व विकास के लिए जरूरी है राजनीतिक मंच को साधना। यही सोचकर उन्होंने सामाजिक भेदभाव से हटकर अपनी पार्टी का नाम सर्वजन स्वराज पार्टी रखा है और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की शुरुआत अपने उत्तराखंड प्रदेश से करने का मन बनाया है। वहीं भट्ट ने कहा कि अक्सर राजनीति में ऊर्जावान लोगों को नजरअंदाज कर सभी राजनीतिक पार्टियां भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का काम करती हैं, परंतु सर्वजन स्वराज पार्टी में नए चेहरे को कर्मठता के आधार पर अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया जाएगा। हमारी जो हरेक के साथ में बातचीत चल रही है, वो तमाम संगठन उत्तराखंड में जो चल रहे हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और भी कई कुछ पार्टियों की हमारे को मतलब न्योता आया है कि भाई हमें मीटिंग करनी है। अभी हमने उनको थोड़ा रुका हुआ है, थमा हुआ था कि भाई हम घर पे इतनी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आज हमारा ऑफिस शुरू हो गया है, 1 अगस्त को हमने घोषणा किया था अपने पार्टी का, और ठीक 1 तारीख को आज सितंबर में जो है हमने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया 1 महीने के अंदर में, जो डेट हमने पहले से तय की हुई थी। और अब हमने सबको न्योता दिया है कि सभी पार्टियों वाले बारी बारी से, सभी संगठन वाले बारी बारी से हमसे जुड़ने वाले हैं, और ये सबकी ताकत मिलकर के एक बनेगी सर्वजन स्वराज पार्टी में। सब लोग एक बन करके अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करिए। आज हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड को बने हुए 20 साल होने को आए हैं। जब ये प्रांत अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं यहाँ पर उत्तराखंड में चल रही थी, जो परिसंपत्तियाँ उत्तराखंड में चल रही हैं, आज तक भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा अनुमानित है कि 120,000 करोड़ की परिसंपत्ति हमारी उत्तराखंड से यूपी के अंदर में है, जो हमको लेना है। और जबकि सामने वाले बता रहे हैं कि आपका 120,000 करोड़ है, लेकिन हमारा प्रदेश में ये बातें करते हैं कि नहीं, हमारी 88,000 करोड़ है। एक ये बात है, जो तमाम परियोजनाएँ हैं, सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जो हमारे डैम के हैं, चाहे वो कालागढ़ का हो, चाहे बनबसा का हो, चाहे हरिद्वार का हो, सभी जानते हैं, चाहे टिहरी डैम का हो, ये सारी परिसंपत्ति हमारी जो है आज भी यूपी के कब्जे में है, और ये बात हमारे उत्तराखंड में सबको मालूम भी नहीं है। तो हम इस पर विशेष ध्यान दे करके अपने धरने लगाएंगे, अपनी मांग करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, और हम उत्तराखंड में इसका स्वराज्य दिला के। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीए, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश, बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।